Hello, friends. We are studying chapter Six of class nine science NCERT. That is the tissue. In the very first lecture, we studied about what is tissue, plant and animal tissue. We studied a order that cell combines to form tissue. Many tissues combine to form organ. Many organs work together and called as organ system. And many organ system coordinate each other to make a organism after that we studied by, about plant tissue animal tissue differences between both and then we started studying more about plant tissues in which we first studied about meristematic tissue in meristematic tissue on the basis of position we studied that meristem can be divided into three types apical meristem intercalary meristem and lateral meristem okay so in this lecture we will study deeply about apical mastem, and lateral meristem and then we will go on permanent tissues. So as you can see in the diagram, it is a representative diagram. प्लांट ऐसे दिखते नहीं बस एक समझने के लिए हमने अपना अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए एक डायग्राम ऐसा बनाया है तो इस डायग्राम में आप जो देखेंगे तो जो सबसे ऊपर रेड कलर से जो सबसे ऊपर का मेरिस्टम है उसका नाम है एपिकल मेरिस्टम एपिकल मीन्स एपेक्स एपेक्स मीन्स टॉप पे तो जो टॉप पे है उसको क्या बोलते हैं पोजिशन के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करें तो जो टॉप पे है उसको बोलते हैं एपिकल मैरिस्टम जो एपेक्स पर है ठीक है अब ये जो बीच में है दिख रहा है इंटर कैलरी कैलिसस के बीच में है उसको क्या बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम ये देख सकते हैं ये बीच बीच में इंटर कैलरी मैरिस्टम है और जो लेटरल साइड में है लेटरल साइड में लेटरल मीन्स जो साइड में हो लेटरल मीन्स ऑन द साइड तो जो साइड में है लेटरल है उनका नाम है लेटरल मेरिस्टम ये पोजीशन के बेसिस पे जिस पोजीशन पे जो मेरिस्टम है उसको वैसा नाम अलॉट किया गया है अब जैसे आप जैसे देख सकते हैं कि पहला है एपिकल मैरिस्टम तो एपिकल मेरिस्टम क्या होता है प्राइमरी मेरिस्टम मैंने पिछले लेक्चर में एक छोटा सा हिंट आपको बताया था कि प्राइमरी और मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम के बीच का डिफरेंस प्राइमरी मेरिस्टम वो जो प्लांट के लाइफ में पहले जो मेरिस्टम आता है वो होता है प्राइमरी मेरिस्टम और जो बाद में आए बाद का मीन्स जो सेकेंडरी ग्रोथ करने आए प्राइमरी मेरिस्टम क्या करता है लेंथ बढ़ाता है जो थिकनेस बढ़ाने बाद में आए एक बार लेंथ बढ़ा उसके बाद जो थिकनेस बढ़ा बढ़ाने बाद में आए प्लांट पार्ट के उस मेरिस्टेम को बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम तो एपिकल मेरिस्टम जो है इट इज टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम वो कहाँ होता है टिप में होता है किसके रूट एपेक्स और शूट एपेक्स ये नहीं किसी स्टेम में टिप में होगा दो एक्सिस हैं प्लांट के हमेशा दो एक्सिस हम लेके चलते हैं शूट शूट या स्टेम ऊपर वाला एक्सिस जो हवा में एयर में एटमोसफेयर में और एक रूट जो नीचे है वो भी तो रूट एपेक्स है रूट का एपेक्स रूट का टॉप मोस्ट पार्ट क्योंकि रूट ग्रो करता है नेगेटिवली क्या हो, क्या जियोट्रॉपिक रूट होता है जियो ट्रॉपिकली नेगेटिव मतलब अर्थ के डाउनवर्ड अंदर ग्रो करता है तो उसका एपेक्स तो अंदर होगा नीचे और शूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है तो वो ग्रो कहाँ करता है एटमोस्फियर में उसका अपेक्स होगा ऊपर तो दोनों का अपेक्स रूट अपेक्स शूट अपेक्स ठीक है इसके टिप पे क्या पाया जाता है दोनों के एपिकल मेरिस्टेम और इसके एक्शन से क्या होता है लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन इंक्रीजेस रिमेंबर दैट जहां भी प्राइमरी मेरिस्टम आए तो उसका आपको फंक्शन आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन को इंक्रीज करना प्लांट ऑर्गन के लेंथ को इंक्रीज करना ये हो गया एपिकल मेरिस्टम अब इंटर कैलरी मेरिस्टम क्या होता है इंटर कैलरी मैरिस्टम इज नथिंग बट लेफ्ट बिहाइंड पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम एक डायग्राम से हम समझते हैं यहां पर जैसे कि ये पार्ट, वही मैं पार्ट दिखाया आपको वही छोटा पार्ट है अभी ये प्लांट का पार्ट छोटा है सिर्फ ये एपिकल मेरिस्टम ठीक है ये एपिकल मेरिस्टम है ये जब बड़ा होगा धीरे धीरे ये जब ये ग्रो आगे ग्रो करते जाएगा तो इसके इस मेरिस्टेम के कुछ मैरिस्टमैटिक सेल्स पीछे छूटते जाएंगे और जो, जो मैरिस्टमैटिक ये भी है मतलब कैपेसिटी टू डिवाइड इन सेल के पास भी क्या है कैपेसिटी टू डिवाइड तो ये क्या क्या करेंगे ये कैपेसिटी डिवाइडर तो ये भी डिवाइड करेंगे तो इंटर कैली मेरिस्टम से ही क्या बनता है जो प्लांट में ब्रांचेज हैं ब्रांचेज हैं ठीक है, branches है जो ब्रांचेज हैं फ्लावर का ब्रांच निकलता है या स्टेम का ब्रांच निकलता है वो कहां से निकलता है वो इंटर कैली मेरिस्टम से ही ग्रो करता है क्यों क्योंकि एपिकल तो सीधा ऊपर होते जा रहा है या प्लांट को अगर हम कट कर दें उसका एपेक्स ऊपर का पोर्शन कट कर दें तो भी फिर वो दोबारा क्यों ग्रो कर रहा है क्यों क्योंकि इंटर कैलर मेरिस्टम प्रेजेंट होता है ठीक है तो ये एक हमने समझ लिया तो इंटर कैलोरी मैरिस्टम क्या होता है मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है जैसे कि ये व्हाइट पोर्शन आप देख रहे हैं ये मैच्योर टिश्यू है मैच्योर हो चुका है जो मेरिस्टमैटिक है वो चल चुका है मैच्योर मतलब परमानेंट वो वो मैरिस्टमैटिक आगे जा चुका है जो परमानेंट टिश्यू है वो ये है उसके बीच में लेफ्ट बिलाइंड पार्ट है एपिकल मेरिस्टम का इंटर कैलोरी मेरिस्टम क्योंकि बीच में है दो मैच्योर टिश्यूज के बीच में इसलिए इसको क्या बोलते हैं इंटर कैलरी में स्टैम ये मेनली पाया जाता है बेस ऑफ नोड या इंटर नोड अब ये नोड और इंटर नोड क्या होता है ये हम समझ लेते हैं जैसे आपने आप सब ने कभी ना कभी अपने लाइफ में ये शुगर केन या बैम्बू दोनों में से किसी एक प्लांट को देखा होगा या दोनों ही देखा होगा बहुत कॉमन प्लांट्स हैं तो जैसे कि उनमें आपने देखा होगा शुगर केन में भी आपने देखा होगा ये ऐसे डि डिमार्केशन होता है ठीक है ये पोर्शन के बीच में ये दो लाइन इसी से रूट्स निकलते हैं शुगर केन के इनके, और बैम्बू में भी ये डिमार्केशन होता है ठीक है तो ये उसका कहलाता है नोड क्या कहलाता है नोड ठीक है इस प्लांट में भी है इस प्लांट में हर प्लांट में नोड और इंटर नोड होते हैं बस किसी में कम डेवलप्ड होता है किसी में वेल well डेवलप्ड होता है तो इसमें नोड होगा ये दिख रहा है जहां से ये ब्रांच निकली है और एक नोड होगा ये और दोनों नोड के बीच के पोर्शन को क्या बोलेंगे इंटरनोड ठीक है तो नोड और इंटर नोड समझ में आ गया ऐसे ही यहां पे भी सुगर बैम्बू जो आप समझे यहां पे उसका नोड है ये भी नोड है और दो नोड के बीच का जगह इंटर नोड है अब नोड किसी प्लांट में नोड में इंटर नोड के बेस पे मतलब यहां पे यहां पे कहीं या नोड के बेस पे नोड के बेस पे यहाँ पे कहीं नोड में ये छोटा में यहाँ पे पूरे नोड में या ये इंटर नोड के बेस पे क्या प्रेजेंट होगा इंटर कैलरी मेरिस्टम अब इंटर कैलरी मेरिस्टम का मेन फंक्शन क्या है वो मेनली प्रेजेंट होते ग्रासेज में ग्रासेज में यंग प्लांट के पार्ट में जैसे ग्रास कहीं है तो हरबी वोट आए जैसे काव बफेलो गोट ये सब और इन्होंने ग्रेज कर दिया उस एरिया को तो वो ग्रासेज दोबारा उगने के लिए किसका मदद लेते हैं दोबारा ग्रो करने के लिए इंटर कैलरी मेरिस्टेम का और इंटर कैलरी मैरिस्टम जनरेट रीजनरेट पार्ट्स रिमूव बाय हर बी वर्स रिमूव कर देते हैं उसको ग्रासेस में मेनली प्रेजेंट होते हैं और में भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो एग्जाम्पल्स आपके लिए नहीं है इक्विटम में प्रेजेंट होते हैं मिंट में प्रेजेंट हो सकते हैं बैम्बू में हो सकते हैं ये सब में ठीक है अब एक मेरिस्टेम और पोजिशन के बेसिस पे पढ़ना बचता है वो था लेटर लेटर मतलब जो साइड में प्रेजेंट हो लेटर आपको दिख रहा है कि अकर एट द लेटरल साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन प्लांट ऑर्गन के लेटरल साइड मतलब साइड में जो प्रेजेंट हो उनको क्या बोलते हैं लेटर मैरिस्टम ये क्या करते हैं थिकनेस बढ़ाते हैं हमने देखा एपिकल मेरिस्टम इंटर कैलरी मेस्टम एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो क्या होता है प्राइमरी मेरिस्टम इंटर कैलरी मैरिस्टम एपिकल मैस्टम का लेफ्ट बिहाइंड पार्ट है तो वो भी क्या हुआ प्राइमरी मैरिस्टम लेकिन लेटर मैरिस्टम जो होता है वो प्राइमरी भी हो सकता है सेकेंडरी भी हो सकता है अगर शुरुआती स्टेजेस में लेटर मेरिस्टम है तो वो प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करेगा लेकिन एक बार जब प्राइमरी ग्रोथ हो जाती है अब जब प्लांट लेंग ने लेंथ बढ़ा ली अपनी अब उसको थिकनेस बनाना है तो लिटरल मेस्टम कम्स एक्शन एंड देन इट हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ और इट हेल्प इट मेक्स सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल वो सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है तो लेटरल मेस्टम तो मोस्टली सेकेंडरी ही होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ से डेड टिश्यू प्लांट्स में एक्यूमुलेट होते हैं और प्लांट की थिकनेस बढ़ती है जैसे कि हम एक थ्री व्यू में थोड़ा समझेंगे आपको यहाँ पे इमेजिन थोड़ा करना पड़ेगा जैसे कि ये प्लांट थिकनेस है हम ऐसे टॉप व्यू देख रहे हैं ठीक है ये ब्रांचेस निकल सकते हैं ये टॉप व्यू हम देख रहे हैं प्लांट की ये थिकनेस है ठीक है प्लांट हम यहाँ पे लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं अगर लेटरल मेस्टम एक्शन करता है तो धीरे धीरे थिकनेस ऐसे होती जाएगी थिकनेस बढ़ते जाएगी ठीक है थिकनेस बढ़ाना ये किसका फंक्शन है सेकेंडरी मेस्टम का लेटर मेस्टम प्राइमरी भी होता है सेकेंडरी भी होता है बट मोस्टली सेकेंडरी होता है और लेटर मेस्टम सिलेंड्रिकल होता है देख सकते हैं आप ऐसे सिलेंड्रिकल आप समझ सकते हैं सिलेंड्रिकल मीन्स सिलेंड्रिकल ऐसे होता है तो वो प्लांट में ऐसे ही अरेंज होता है साइड बाई साइड ये ऐसे अरेंज होगा पूरा एक ऐसे ट्यूब टाइप तो लेटर मेस्टम एक जनरली सिलेंड्रिकल होते हैं अब हमने पढ़ लिया मेस्टमेटिक टिश्यू दो तरह के टिश्यू होते हैं परमानेंट मैरिस्टमैटिक जो कि एक्वायर करते हैं डिवीजन का कैपेसिटी एबिलिटी उनके पास होता है दे आर एबल टू डिवाइड डिवाइड नाउ वो करके बनाते हैं परमानेंट टिश्यू तो जो सेल बनते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू से वो लूज कर जाते हैं वो क्या लूज करते हैं दे आर टू डिवाइड और कोई स्पेसिफिक रोल एक्वायर कर लेते हैं एज अ रिजल्ट दे ट्रांसफॉर्म इन टू अ परमानेंट टिश्यू अब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू फ्रॉम मेस्टमैटिक टिश्यू इज नोन एज डिफ्रेंशिएशन अब डिफ्रेंशिएशन से क्या होता है कि मेस्टमैटिक टिश्यू बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू मेस्टमैटिक टिश्यू का तो क्या फंक्शन है डिवाइड करके नए सेल्स बनाना अब परमानेंट टिश्यू का क्या फंक्शन है वो कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर करते हैं जैसे कि परमानेंट टिश्यू अभी हम आगे पढ़ेंगे तीन तरह के होते हैं मतलब बेसिकली दो तरह के होते हैं सॉरी सिंपल परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट सिंपल परमानेंट भी कुछ टाइप होते हैं फिर कॉम्प्लेक्स के भी टाइप्स होते हैं तो हम ये सब भी पढ़ेंगे ठीक है तो वो उनका सब एक सबका स्पेसिफिक फंक्शन पड़ेंगे हमस्टमैटिक का स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है उनका बस फंक्शन है कि वो डिवाइड करते जाते हैं और जो लेफ्ट बिहाइंड सेल हैं वो परमानेंट होते जाते हैं ठीक है तो दो तरह के परमानेंट टिश्यू हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू दो तरह के कौन कौन से सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट ठीक है तो पहला हम देखते हैं सिंपल परमानेंट सिंपल मीन सिर्फ एक टाइप का होमोजीनियस आप समझ सकते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑल्सो नो एज होमोजीन टिश्यू मेड अप ऑफ सिंगल सेल टाइप ठीक है जिनका ओरिजिन सेम हो स्ट्रक्चर सेम हो फंक्शन सेम हो सब सेम है और सिंगल टाइप के अगर एक सेल टाइप है तो वही टाइप पूरे में प्रेजेंट होगा उस टिश्यू में उसको क्या बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और वो सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर तीन प्रकार के होते हैं पेरन कायमा कोलेन कायमा स्केलेन कायमा ठीक है ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है तीनों का पैरन कायमा कोलेन कायमा स्केलेन कायमा ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट ए ओके So, this is all about meristem. We have uh, completed about primary meristem, apical meristem, intercalary lateral, and some part of permanent tissue. Now, we will deeply understand in the next lecture simple permanent tissue. Okay, thank you.